भारत महापरिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश गुप्ता से खास बातचीत। आज भारत महापरिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश गुप्ता से समाचार इंडिया न्यूज के पत्रकार आकाश पांडे ने कई मुद्दों पर बातचीत की। CAA, NRAC, NPR जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने समाचार इंडिया से बात करते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया और सरकार को सुझाव दिया कि और उनका कहना है कि सरकार को NRC पूरे देश में लागू करना चाहिए, जिससे कोई भी घुसपैठिया अंदर ना रह जाए। आकाश पांडे, बस्ती। आधार पे नागरिकता की पुष्टि होनी चाहिए और इसी आधार पे हमारी पहचान प्रणाली विकसित की जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो जैसे सर आप कह रहे हैं, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से आए हुए शरणार्थी सर, जो वहाँ के भगाए हुए मुस्लिम भी हैं, पड़ताल करते आए हैं, सारी जातियाँ हैं, धर्म के लोग हैं, जातियों के लोग हैं। तो लेकिन जिस तरह सिर्फ अल्पसंख्यकों, तीन देश के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता दी जा रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसको लेकर के मेरा ये सिर्फ कहना है कि देखिए, मुस्लिम राष्ट्र को अगर आप देखा जाए तो बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, लेकिन हिंदुओं के लिए सिर्फ जो है एक ही राष्ट्र है, वो भी सेक्युलरिज्म है, मतलब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ना कि एक जो है हिंदू राष्ट्र है। लेकिन कहीं न कहीं यह माना जाता है कि हिंदुओं के लिए सिर्फ एक ही राष्ट्र है, वो है भारत देश। और अगर कहीं न कहीं अल्पसंख्यक जो अन्य कंट्री, मुस्लिम कंट्री में जो हमारे हिंदू भाई हैं, पारसी है, ईसाई हैं, वो अल्पसंख्यक और वो उनका दर कम हो रहा है कहीं न कहीं, तो कहीं न कहीं उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है, दुष्परिणाम वो झेल रहे हैं, उनको कहीं न कहीं शरणार्थी के रूप में भारत ही एक ऐसा देश है जो उनको शरण दे सकता है। इसलिए यह बिल लाया गया और इसके लिए मैं स्वागत करता हूँ इस बिल का। सर कुछ सुझाव या फिर कुछ त्रुटि बता सकते हैं इसमें, क्या सरकार को क्या करना चाहिए और जिस तरह हमारे देश में हिंसा बढ़ी है इसको लेकर, उसको लेकर कुछ सुझाव या फिर कुछ जानकारी? आंतरिक असुरक्षा को लेकर के सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो हमारी पहचान प्रणाली है, और पहचान प्रणाली का जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है वो हमारी नागरिकता को लेकर के है। पहले तो हमारी नागरिकता की पुष्टि हो, उसके आंकड़े स्पष्ट होने चाहिए और उन आधारों पे हमारी पहचान प्रणाली एक ऐसी सशक्त प्रणाली बनाई जानी चाहिए जिससे कि हम क्विक रूप से इसको हर व्यक्ति एक पुष्टि कर सकें और हम इसका आंकड़ा प्रतिदिन के हिसाब से रख सकें, जिससे कोई भी व्यक्ति बाहरी जब आए तो हम उसको फाइंड आउट कर सकें और ये पता कर सकें कि कौन इस देश का रहने वाला है, कौन इस देश का नहीं रहने वाला है। इसके लिए हमने एक सिस्टम तैयार किया था कि 1951 की जो पहली जनगणना हुई थी हमारी, और जो भारत के अंदर रह रहे लोग हैं उनका जो भूमि दस्तावेज है, इन आधारों को पुष्टि बना करके हमारी जो आइडेंटिटी पॉलिसी है वो बनाई जाए, जिससे कि हमारे देश में जो नागरिक हैं उनकी सही आंकड़े और उसकी सही पुष्टि की जा सके। NPR लेकर आई है, इसको लेकर भी तरह तरह के राजनीति की जा रही है, बोल रहे हैं कि इसमें जो अल्पसंख्यक हैं वो कैसे क्या दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, और लोग तरह तरह के स्लोगन कर रहे हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, सर इसको लेकर क्या है? गलत है। मेरा ये मानना है कि अगर NPR यानी जनगणना हो रही है तो नागरिकता के आधार पर होनी चाहिए। हम जनगणना करें, जिसके पास दस्तावेज नहीं है उनकी जनगणना करें, लेकिन उनको एक लिस्ट में रखें कि ऐसे जितने भी लोग हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और उनको ये जो है मौका दे सरकार कि वो अपनी पुष्टि करें कि वो कैसे वो भारत के अंदर आए और रह रहे हैं। इन लोगों की पूरी जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि अगर देश की आंतरिक सुरक्षा का सवाल है तो इसके लिए जो हमारी NPR रिपोर्ट यानी जनगणना जो रिपोर्ट बनाई जाए वो इसी आधार पर बनाई जाए कि हमारे मैक्सिमम हमारे जो गणनाएं हैं वो नागरिकता की पुष्टि को दर्शाते हुए की जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। तीन मुद्दों पे बातचीत करते हैं हम आपसे। जिस तरह देश में लगातार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार रोज और बलात्कार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर समाज में क्या कहना चाहते हैं, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज को नहीं, देश के सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों को संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि उनको राजनीति छोड़कर के अर्थनीति पे काम करना चाहिए। जब तक कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी अर्थनीति को सही रूप से, सही ढंग से काम नहीं करेगी, तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। हमको हर एक चीज़ का एक मैनेजमेंट करना होगा, प्रति व्यक्ति आय का मैनेजमेंट करना होगा, देश की हर एक व्यवस्थाओं का मैनेजमेंट करना होगा, तब जाकर के हमारी अर्थनीति सही हो पाएगी। हमारे संसाधन विकसित करने होंगे और उन संसाधनों के आधार पर ऐसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होने चाहिए जिससे कि हमारे आय का स्रोत बढ़ सके, प्रति व्यक्ति आय का स्रोत बढ़ सके, तभी जाकर के हम कहीं अर्थनीति को सही कर पाएंगे और देश को समृद्ध बना पाएंगे। धन्यवाद, आपने हमको समय दिया और ऐसी आशा करते हैं कि आपसे फिर दोबारा सवालों जवाब का ये सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मैं आकाश पांडे, समाचार इंडिया न्यूज़, बस्ती।